जय जोहार संगवारी हो, मैं हूँ दीपक और आज मैं आ गया हूँ बिलासपुर के कोरोना चौक के पास। यहाँ पर अभी दुर्गा बैठ रहा है। एक्चुअल में हम लोग चौथा दिन में अभी घूम रहे हैं, पांचवा और छठवा दिन में मेन यहाँ पर रौनक स्टार्ट होता है। और आज मेरे साथ लगभग 2 से 3 साल के बाद मैं सालनी से मिल रहा हूँ और पंकज भाई से मिल रहा हूँ। 2-3 साल पहले जब कॉलेज टाइम में हम लोग घूमने के लिए जाते थे तो उस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, पर आज अचानक से प्लान बना और घूमने निकल गए। बहुत अच्छा लग रहा है आज। और हम लोग ने भाई आइसक्रीम भी खाए जो फलूदा मुझे नहीं खिलाया। पर बहुत मज़ा आया, पर इसको कभी और खिलाएंगे। पर अभी हम जा रहे हैं आसपास के जगह पर घूमने के लिए और देखते हैं, अगर कहीं नौ दुर्ग बैठा होगा तो आपको जरूर दिखाएंगे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। और आज ही मुझे निकलना है जबलपुर, वहाँ का दुर्गा महोत्सव आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं बिलासपुर के तेलीपारा में। लगभग 2 सालों के बाद दुर्गा बैठ रहा है, पर बिलासपुर में भी इस बार पहले के जैसा माहौल नहीं है। पहले के दिन बहुत ज़्यादा अच्छे थे, जब हम अपने पूरे फैमिली के साथ जाते थे। बीच में कई सारे मेले लगते थे, बड़े बड़े झूले लगते थे, झांकियां लगता था, रात भर घूमते थे, सुबह तक। पिछले 2 सालों से अभी बिल्कुल फीका फीका है, कोरोना की वजह से सब कुछ डाउन है। बहुत से लोग कोरोना की वजह से घूमने के लिए भी नहीं निकल रहे हैं, और सही भी है। इस साल बहुत कम लोग ही घूमने के लिए जा रहे हैं, और जो भी जा रहे हैं तो आप मास्क लगाकर जरूर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि अभी कई जगह पर कोरोना केसेस भी बढ़ रहा है अभी भी। तो अभी हम चलते हैं तेलीपारा। तेलीपारा में बहुत ही बढ़िया दुर्गा बैठता है, इस बार शायद एक ही बैठा है। पर रौनक थोड़ा कम है, पर सप्तमी के दिन से यहाँ पर मेन रौनक स्टार्ट होता है। अभी बहुत से लोग घूमने के लिए नहीं निकल रहे हैं, सप्तमी में ही मेन भीड़ रहता है यहाँ पर, सप्तमी, अष्टमी और नवमी को। मेरा इस बार का प्लान जबलपुर घूमने का है। मैं 10 साल पहले जबलपुर में रहता था, तो वहाँ पर दुर्गा महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था। तो इस बार मैं सोचा हूँ कि जबलपुर जाऊँ और जबलपुर का दुर्गा पूजा कवर करूँ। तो आज ही के दिन जितना कवर हो पाएगा वो सब मैं कवर करूँगा, और इसके बाद मैं लास्ट में जाऊँगा काली मंदिर। तो सभी हम आ गए हैं काली मंदिर। इस साइड में पहले मेला भरता था, मीना बाज़ार भरता था इसके जस्ट पीछे में, बट अभी पूरा बंद है। इस साल कोई भी मेला या जो भीड़ भाड़ होता है उस तरह का आयोजन नहीं किया गया है। यहाँ पर रामलीला होता था, बट इस बार रामलीला भी नहीं हो रहा है। बंगाली स्कूल है, बट अभी बिल्कुल देख सकते हैं कि आज चौथा दिन है नवरात्रि का, पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है यहाँ पर। नॉर्मल दिनों की तरह ही आज लग रहा है, कोई रौनक नहीं।
दोस्तों जबलपुर में गड़ा फाटक के पास यहाँ पर महाकाली बैठती हैं, देख सकते हैं ये जबलपुर की महारानी कहलाती हैं और यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया जाता है। आप देख सकते हैं बड़े ही उत्साह से यहाँ पर लोग आते हैं, माता का दर्शन करते हैं। जबलपुर में नन्हाई नाम का एक जगह है जहाँ पर सोने का दुर्गा बैठता है, लगभग 50 किलो का ओरिजिनल सोना चढ़ता है यहाँ पर। दोस्तों जबलपुर का दुर्गा पूजा का फुल वीडियो जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर आएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबा लें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।